नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। आज से एक साल पहले कोरोना के ऊपर एक नारा बहुत वायरल हुआ था, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो। और कोरोना चला भी गया। अरे भाई सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो भीड़ में नहीं आता, और अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो भी वो आपको नहीं होने वाला। अगर आप लाखों की संख्या में लोगों के बीच हैं, फिर भी वो आपको नहीं होगा, वो हमेशा के लिए अब जा चुका है। तभी तो देखिए ना, जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उस राज्य में कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ कोरोना भीड़ को देखकर खुद भाग गया है। उसे भी अब बंगाल वाली ममता दीदी और इंडिया वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर लगता है, तभी तो उनकी रैलियों में वो अब नहीं जाता। उसने अब अपनी शिफ्ट चेंज कर ली है, उसके अलावा तो उसने पूरे देश में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है। देखिए ना, इसका मुंह है कोरोना ने तो पहले महाराष्ट्र और अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगवा दिया, लेकिन इसकी हिम्मत इन राज्यों में जाने की बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जैसे कि देखा आपने, अब जैसे ही रमजान आएगा या ईद आएगी तो कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाएंगे, कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या तेज हो जाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर कहेंगे ये सब मुसलमानों की वजह से हुआ है, उनके रमजान और उनके ईद मनाने की वजह से हुआ है। ना तो वो रमजान या ईद मनाते, ना लोग इकट्ठा होते, ना कोरोना के केसेस बढ़ते, सब उन्हीं की गलती है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साल पहले तबलीगी जमात के लोगों के साथ किया गया था जो उनके केसेस में हुआ था। बाद में तबलीगी जमात के ऊपर दिखाए गए खबरों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था। खैर, आते हैं फिर से कोरोना पर, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण, जिसमें वो कोरोना के शुरुआती दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, संयम और संकल्प के बारे में बता रहे हैं। कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है।
वीडियो को भी देखिए जिसमें खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को मास्क लगाया है और दूसरों से भी मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है। लेकिन लगता है अब एक साल बाद कोरोना जैसे खत्म हो गया हो इन सब के लिए। आए दिन ममता दीदी भी बिना मास्क के चुनावी रैलियां करती नजर आती हैं। यही नहीं, अब ये भी देखिए कैसे ममता दीदी लोगों के बीच बिना मास्क के उनसे मिल रही हैं और कुछ स्कूली बच्चे उनके पैर भी छू रहे हैं। यही नहीं, अब आप नरेंद्र मोदी जी को भी देखिए कि कैसे वो बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साल। तो देखा आपने, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना महाराज विराजमान नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोरोना चचा ममता दीदी और मोदी से डरते हैं, तो ऐसे में इन दोनों को भी यानी कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को पता है कि हमारा खौफ है कोरोना में, इसीलिए हम मास्क पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो कोरोना होगा नहीं और अगर हुआ भी तो वैक्सीन है ना। अब भाई हम तो कोरोना चचा से यही कहेंगे कि आप दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी थोड़ा डरिए और देश छोड़कर चले जाइए। तो बस ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल द कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल द कंटाप को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।